हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक क्लर्क की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। दोस्तों, अगर आप बैंक ज्वाइन करने वाले हैं या आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सैलरी स्लिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आज ही या अभी या आने वाले कुछ मंथ्स में बैंक ज्वाइन करते तो यही आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी सैलरी में उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आप अर्न करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कंपोनेंट है दोस्तों बेसिक पे। बेसिक पे अगर आप न्यू क्लर्क एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो 19,900 रुपये यानी 19,900 रुपीज़ आपका बेसिक पे होगा। इसके बाद बात करते हैं HRA की यानी हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। दोस्तों, जो आपका HRA है वो 10.25% है आपकी बेसिक पे का, यानी आप जब 19,900 का 10.25% निकालेंगे तो 2,167 रुपीज़ और 88 पैसे आएगा। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपको आपकी सैलरी स्लिप में मिलता है वो है डियरनेस अलाउंस। दोस्तों, करंट में जो DA चल रहा है बैंकर्स का वो है 36.82%, तो जो आपको उस हिसाब से जो DA मिल रहा है वो 7,787 रुपीज़ और 43 पैसे। इसके बाद दोस्तों, क्लैरिकल कैडर में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है आपका 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद आपको मिलता है स्पेशल पे फॉर अवार्ड स्टाफ। दोस्तों, ये 1,250 रुपये मिलता है। अगर आप एज अ कैशियर बैंक ब्रांच में काम कर रहे हैं तो 1,900 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेशल पे फॉर अवार्ड स्टाफ यानी अगर आप बाहर काउंटर में बैठ रहे हैं, बाकी काम देख रहे हैं कैशियर का काम छोड़ के, तो आपको 1,250 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला अलाउंस है वो है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस दोस्तों होता है 16.40% ऑफ योर बेसिक पे, यानी आप 19,900 का 16.40% निकालेंगे तो 3,263 रुपीज़ और 60 पैसे आएगा। इसके बाद आपको जो आपका स्पेशल अलाउंस है 3,263 रुपीज़ और 60 पैसे, उस पर भी DA मिलता है यानी 36.82% उस पर भी मिलता है, तो जो कि जाके बनता जाता है 1,201 रुपीज़ और 66 पैसे। इसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ऊपर आप देख सकते हैं 600 रुपये वाला, उस पर भी आपको DA मिलता है जो कि 220 रुपये और 92 पैसे यानी 220 रुपीज़ और 92 पैसे हो गए। दोस्तों, ये तो वो कंपोनेंट हुए जो आपने अर्न किए। इसी के साथ साथ वो कंपोनेंट भी होते हैं जो डिडक्शन होती है आपकी सैलरी स्लिप में, तो चलिए डिडक्शंस को भी देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिडक्शन है BSBS। दोस्तों, ये हर बैंक में नहीं कटता है, किसी में कटता है किसी में नहीं कटता। तो अगर आपके बैंक में मान लीजिए नहीं कट रहा है तो 500 रुपये अपनी सैलरी और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, BSBS दोस्तों ये है कि मान लीजिए कोई हमारे स्टाफ है डिसीज्ड हो जाता है, अब हमारे बीच में नहीं रहता है, तो एक स्टाफ के डिसीज होने पे 100 रुपीज़ जितने भी वर्किंग स्टाफ है उनकी सैलरी से काट लिया जाता है और जो एक फंड बनता है वो उस डिसीज स्टाफ की फैमिली को दे दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपका जो भी आपने यूनियन ज्वाइन किया उसका रुपये कटा देंगे 75 रुपीज़। यूनियन टू यूनियन डिफर करता है, कोई 60 कोई 75 कोई 100 लेता है, तो ये डिपेंड करता है यूनियन टू यूनियन पे। इसके बाद दोस्तों NPS है जो कि 10% कटता है आपकी बेसिक और DA का, तो 2,894 रुपीज़ ये NPS कटता है और इतना ही रुपये बैंक भी अपनी तरफ से आपके NPS अकाउंट में डाल दिए। NPS दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम है, ये फंड है जो इकट्ठा होकर आपको एंड में मिलता है। तो दोस्तों, ये वो कंपोनेंट हुए जो डिडक्शंस थे। अब जानते हैं हमारी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है और ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है। पहले ग्रॉस सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो ग्रॉस सैलरी आपकी है वो बनती है 36,391 रुपीज़ और 49 पैसे और जो इन हैंड सैलरी है वो डिडक्शंस हटा के जो सैलरी आपकी बनती है वो है 32,922 रुपीज़ और 49 पैसे। दोस्तों, तो ये हुई आपकी सैलरी स्लिप। अगर आप अभी बैंक ज्वाइन करते हैं तो इतने रुपये आपको मिलने वाले हैं फॉर श्योर। आई होप दोस्तों ये छोटा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।